इस वीडियो से आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि बिटकॉइन क्या है, इसके बारे में बात करते रहेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग अगले कुछ मिनट में आपको इससे जुड़ी बुनियादी चीजों के बारे में बताएंगे। यहाँ सबसे जरूरी चीज यही है कि आपको बिटकॉइन के बारे में सब कुछ बताया सिखाया जाए। तो बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन दुनिया का सबसे पहला डिजिटल डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन असल में दुनिया में कहीं भी एक व्यक्ति से सीधे दूसरे व्यक्ति तक पैसे भेजने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, जिसके लिए बैंक, पेपैल या वेस्टर्न यूनियन जैसे किसी सेंट्रलाइज्ड एंटिटी का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यह एकदम सुरक्षित है, नाम रहित है, सुपर फास्ट है और यह दुनिया में कहीं भी कारगर है। बिटकॉइन का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, किसी योग्यता की जरूरत नहीं है, कोई फीस नहीं देनी पड़ती है, कोई चार्ज बैक और कोई बॉर्डर नहीं है। यह असल में पैसे का भविष्य है। तो कौन बिटकॉइन का उपयोग और स्वीकार करता है? असल में बिटकॉइन का इस्तेमाल लाखों लोग कर रहे हैं और आप लगभग जो चाहे वह चीज खरीदने के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे सैकड़ों हजारों व्यवसाय कंपनियां हैं जो बिटकॉइन को स्वीकार करती हैं। आप प्लेन की टिकटों, होटल रूम, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार, कॉफी और किसी अन्य चीज के लिए भी पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप किसी चीज के बारे में सोच सकते हैं तो हम आपको दिखा सकते हैं आप उस चीज को बिटकॉइन की मदद से कहां से पा सकते हैं। बिटकॉइन एक और जिस बड़े बाजार को प्रभावित करता है वह है रेमिटेंस, यानी वह पैसा जिसे एक राज्य से दूसरे राज्य में और एक देश से दूसरे देश में दोस्तों और परिवार के लोगों को भेजा जा रहा है। अधिकांश लोगों को यह बात समझ में ही नहीं आता कि हर साल दुनिया भर में 600 बिलियन डॉलर से लेकर 1 ट्रिलियन डॉलर तक इधर से उधर चला जाता है। पैसे भेजने के लिए हम लोग बैंक, पेपैल और वेस्टर्न यूनियन जैसी कंपनियों का सहारा लेते हैं। ये सभी कंपनियां हमारे भेजे हुए पैसों को हमारे लोगों तक पहुंचाने के लिए हमसे फीस लेते हैं और हमें उन पर भरोसा करना पड़ता है। वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम और उन जैसी दूसरी कंपनियां 5 से 30% तक फीस लेती हैं। कुल मिलाकर दुनिया भर में इसका परिमाण लगभग 10% है, जिसका मतलब है कि हम लोग हर साल 100 बिलियन डॉलर का 10% यानी 60 बिलियन डॉलर बस फीस के रूप में दे बैठते हैं। बिटकॉइन की मदद से हर किसी को इसकी सुविधा प्राप्त होती है और इसके लिए कोई मंजूरी भी नहीं लेनी पड़ती है। एक विशिष्ट बिटकॉइन लेन देन में लगभग 2.5 सेंट की फीस ही लगती है। यह एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है कि सिर्फ लगभग 1.5 बिलियन लोगों के पास ही बैंक अकाउंट, वीजा या मास्टर कार्ड होता है, जिसका मतलब है कि बाकी के लगभग 5.5 बिलियन लोगों के पास किसी भी तरह की बैंकिंग की सुविधा प्राप्त नहीं है। उनकी सारी संपत्ति उनके घर में ही रहती है। यदि कभी कोई डकैती हो जाए, आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए या इसी तरह की कोई और घटना घट जाए तो उनका सब कुछ खो जाता है। और क्या आपको पता था कि उन लोगों की संख्या अधिक है जिनके पास इंटरनेट के साथ सेलफोन है, जबकि उन लोगों की संख्या इनसे कम है जिनके घरों में पानी और बिजली की सुविधा है। इन सभी लोगों के पास अपनी संपत्ति की रक्षा करने का कोई साधन नहीं है और ये इंटरनेट के माध्यम से व्यापार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब वे बिटकॉइन की मदद से ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन पर किसी व्यक्ति, सरकार या कंपनी का कोई स्वामित्व या नियंत्रण नहीं है। बिटकॉइन को शक्ति संपन्न बनाने के लिए कोई सेंट्रल एंटिटी भी नहीं है, लेकिन इसे शक्ति संपन्न बनाने के लिए किसी न किसी चीज की जरूरत तो है ही। इसे यह शक्ति असल में उन हजारों लोगों से मिलती है जिनके पास विशेष कंप्यूटर हैं, जो नेटवर्क को शक्ति संपन्न बनाते हैं, नेटवर्क को सुरक्षित करते हैं और लेन देन की जाँच करते हैं। इसे माइनिंग कहा जाता है। सबसे बड़ा सवाल है, यदि कोई फीस ही देनी नहीं पड़ती है तो लोग क्यों कंप्यूटर और बिजली पर इतना पैसा खर्च करेंगे यदि कोई आमदनी ही नहीं होगी?
यही वह जगह है जहां हम पैसे डाल सकते हैं। औसतन हर 10 मिनट में बिटकॉइन के एक नए ब्लॉक का निर्माण किया जाता है और उसे किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाता है जो माइनिंग कर रहा है। शुरू शुरू में हर 10 मिनट में 50 नए बिटकॉइन का निर्माण किया जाता था। 2,10,000 ब्लॉक के बाद, जिसे बनाने में लगभग 4 साल लग गए, यह घटकर 25 नया बिटकॉइन प्रति ब्लॉक हो गया है। एक और 2,10,000 ब्लॉक के बाद, जो कि 2016 की जुलाई के आखिर में होना चाहिए, यह घटकर 12.5 प्रति ब्लॉक हो जाएगा और यह अगले 125 साल तक यानी 2140 तक लगभग हर 4 साल में इसी तरह आधा होता रहेगा और तब तक 21 मिलियन बिटकॉइन हो जाएंगे और उसके बाद से किसी नए बिटकॉइन का निर्माण नहीं किया जाएगा, इसलिए बिटकॉइन हमेशा दुर्लभ होगा। बिटकॉइन की शुरुआत 3 जनवरी 2009 में सतोशी नाकामोतो द्वारा की गई थी। जब इसे शुरू किया गया था तब इसका कोई मोल नहीं था। यह असल में पैसों के बारे में था ही नहीं, यह असल में यह साबित करने के लिए था कि क्या हम लोग किसी थर्ड पार्टी की मदद लिए बिना लेन देन कर सकते हैं और क्या हमारे पास विकेंद्रीकृत किस्म का पैसा आ सकता है जिसे कोई भी दुनिया में कहीं से भी बिना किसी फीस के इस्तेमाल कर सके। उस समय इस माइनिंग के काम में सिर्फ कुछ ही लोग शामिल थे। वे लोग हर 10 मिनट में सभी नए बिटकॉइन को इकट्ठा कर रहे थे। उसके बाद 22 मई 2010 को पहला लेन देन हुआ। एक पिज्जा के लिए 10,000 बिटकॉइन को ऑफर किया गया। जब ऐसा हुआ तब अचानक बिटकॉइन का महत्व बढ़ गया। उसके बाद मांग बढ़ने लगी और ज्यादा से ज्यादा लोग बिटकॉइन खरीदने के लिए कहने लगे, लेकिन जिन लोगों के पास यह बिटकॉइन था वे लोग इसे इतने सस्ते में बेचना नहीं चाहते थे। याद रखें, बिटकॉइन सोने की तरह दुर्लभ है। उस समय लोग इसे खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने का ऑफर करने लगे। बिटकॉइन को एक आइडिया से एक बिटकॉइन के लिए 10 सेंट के मूल्य का बनने में 1.5 साल से ज्यादा समय लग गया। जिस समय यह वीडियो बनाया जा रहा है उस दौरान और 5 साल बीत गए और इसकी कीमत 10 सेंट से बढ़कर लगभग $240 हो गई, यानी कि 2400 गुना। 5 साल पहले यदि आपने $1 मूल्य का बिटकॉइन खरीदा होता तो उसकी कीमत अब $2400 हो गई होती। यदि आपने $100 का बिटकॉइन खरीदा होता तो वह अब $2,40,000 हो गया होता। जहाँ तक हमें पता है, पिछले 5 साल में बिटकॉइन दुनिया का सबसे बड़ा निवेश बन गया है। कई लोगों को लगता है कि वे दिन गए, लेकिन वे गलत हैं। आइए बताता हूँ क्यों। अभी फिलहाल ऐसे सिर्फ लगभग 10 मिलियन लोग हैं जिनके पास बिटकॉइन वॉलेट है। हम लोग एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें इसका इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोगों के साथ इंटरनेट से ज्यादा बड़ा बनने की क्षमता है। आजकल हर कोई इंटरनेट चला लेता है क्योंकि इसे चलाना आसान है। 25 साल पहले इसे चलाना असल में बहुत मुश्किल था। अब गूगल, यूट्यूब, फेसबुक और जीमेल ऐसे हजारों कंपनियां बाजार में हैं जो इसे चलाना आसान बना दे रही हैं। करोड़ों लोगों ने इन कंपनियों में निवेश किया है। बिटकॉइन भी वैसा ही है। 5 या 6 साल पहले बिटकॉइन का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब दुनिया भर में 1,000 से भी ज्यादा कंपनियां हैं जो इसका इस्तेमाल करना आसान बना दे रही हैं। दुनिया के सबसे चालाक और अमीर लोग आम लोगों के लिए इसका इस्तेमाल करना ज्यादा आसान बनाने के लिए बिटकॉइन कंपनियों में लाखों करोड़ों डॉलर का निवेश कर रहे हैं। यही वजह है कि हम लोग अभी भी इस बिटकॉइन क्रांति के आरंभ में हैं। पिछले कुछ सालों में बिटकॉइन शुरू करने वाली कंपनियों में लाखों करोड़ों डॉलर का निवेश किया गया है। 2012 में लगभग $2 मिलियन का निवेश किया गया, 2013 में $95 मिलियन, 2014 में $361 मिलियन और सितंबर 2015 तक लगभग $456 मिलियन का निवेश पहले ही किया जा चुका है, यानी पिछले 3 साल में $900 मिलियन से भी ज्यादा निवेश हो चुका है। यहाँ कुछ ही लोग और व्यवसाय ऐसे हैं जो बिटकॉइन कंपनियों में निवेश कर रहे हैं। बिल गेट्स, सर रिचर्ड ब्रांसन, द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, गोल्डमैन सैक्स, USA बैंक, BBVA बैंक,
पेपैल, ईबे और गूगल शुरू करने वाले लोग। इसके अलावा MIT यूनिवर्सिटी बिटकॉइन के साथ काफी करीब से जुड़ा है और यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आधार है। यही है वह जगह जहां जादू होता है। कल्पना कीजिए, आपको थोड़ा सोना चाहिए और उस महीने में उतना सारा सोना खोद कर निकाला गया है। अगले महीने सोने की मांग उतनी ही रहेगी, लेकिन पहले की तुलना में आधा सोना ही खोद कर निकाला जाएगा, जिससे कीमत काफी बढ़ जाएगी। यह दैनिक लेन देन की एक तस्वीर दी गई है। इससे पता चलता है कि मांग कितनी है और बिटकॉइन के साथ क्या हो रहा है। मांग बढ़ रही है, लेकिन फिर भी नई सप्लाई का परिमाण घटता जा रहा है, जिसका मतलब है कि समय के साथ कीमत बढ़ती जाएगी। अब तक 14 मिलियन से भी ज्यादा बिटकॉइन का निर्माण हो चुका है, जिसका मूल्य $3.5 बिलियन से भी अधिक है। यह सब बिटकॉइन माइनिंग से जुड़े लोगों के पास चला गया है और यह रुकने वाला नहीं है। क्योंकि लोग बिट क्लब नेटवर्क से क्यों जुड़ रहे हैं? लाखों करोड़ों डॉलर का निवेश करने वाले उन चालाक अमीर लोगों में से अधिकांश लोगों का मानना है कि अगले 3 साल में 1 बिटकॉइन की कीमत $10,000 से ज्यादा हो जाएगी।